हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज डॉक्टर उदयर। तो आज हम बात करने वाले हैं हर्निया, स्पेशली हम बात करेंगे इनग्वाइनल हर्निया की। तो हम पहले समझते हैं कि हर्निया बेसिकली होता क्या है। हर्निया, अगर हर्निया को हम डिफाइन करें सिंपल तरीके से समझे, तो हर्निया वो चीज़ होता है, कोई भी कंटेनर, कोई भी सब्सटेंस समझ लो, ये एक कवरिंग है, इसके सब्सटेंस, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है और एक कवरिंग है। तो अंदर जो कंटेनर है उसका बाहर आ जाना कहीं भी एबनॉर्मल तरीके से, उसको बोलते हैं हर्निएशन। और किसी भी पार्ट का, एब्डोमिनल पार्ट का हर्निएशन होना या बाहर आ जाना, ये हर्निया बोलते हैं। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बोलें, तो अगर ये कैविटी है, इसके अंदर कोई ऑर्गन है, ठीक है, वो पैक है पूरी तरह से, अब वो कहीं से निकलना नहीं है, तो वो नॉर्मल है। अगर वही पार्ट कहीं से निकल जाता है एबनॉर्मल तरीके से, ओपनिंग करके, या ओपनिंग है ये वहीं से निकलता है, वो तो हो गया हर्निया। अब हम बात करते हैं कि हर्निया तो ठीक है समझ में आता है, हर्निया कहाँ कहाँ हो सकता है या किस किस तरीके का हर्निया होता है। अगर हम बात करें कि हर्निया के टाइप्स कितने हैं, तो डिपेंड्स आपके किस पार्ट में हर्निया होता है, उस हिसाब से उसको हम नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे, जहाँ पे आपका अम्बिलिकस है, यहाँ पे अगर कोई हर्निया होता है तो वो होता है अम्बिलिकल हर्निया। अगर आपका इनग्वाइनल एरिया, यहाँ पे जैसे कि जिस तरफ देखते हैं हम, ये यहाँ पे कोई हर्निया होता है तो वो होता है इनग्वाइनल हर्निया। नीचे उसके थोड़ा नीचे फीमोरल एरिया में होगा तो वो फीमोरल हर्निया होगा। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। अब बेसिकली हर्निया तो समझ में आके इस तरीके से हर्निया होता है, उसको हम नाम देते हैं। एग्जैक्ट होता क्या हर्निया में, देखो हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है, वो प्रोटेक्टिव लेयर से बनी रहती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन या आते हैं, वो कवर की हुई रहती है ताकि वो ईजिली बाहर ना आ सके। तो सबसे पहला जो लेयर होता है वो हमारा स्किन, ये जो स्किन है, ये स्किन का लेयर होता है। जैसे भी दिखा दो, तो ये हमारा, ये स्किन का लेयर है, ये ऊपर का स्किन है, इसके नीचे एग्जैक्ट मांस मसल्स होते हैं, और फिर उसके नीचे होता है कंटेन। कंटेन मतलब जो कुछ भी हो सकता है, इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन या ऑर्गन जो भी है, तो ये अंदर रहता है। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इनग्वाइनल एरिया में ओपनिंग रहती है। ओपनिंग क्यों रहती है, दो ओपनिंग रहती है, वो इसलिए रहती है ताकि वहाँ से जो ब्लड वेसल्स, आर्टरी है, वो नीचे पैर तक जा सके। तो बहुत बार क्या होता है कि ये जो ओपनिंग है, दो ओपनिंग, यहाँ से एब्डोमिनल, जो एब्डोमिन के कंटेन है या इंटेस्टाइन है, वो बाहर निकल जाते हैं और वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, ये होता है हर्निया। अब इसको और इजी तरीके से समझे, तो अगर हम बात करें कि कवरिंग, तो ये अगर हम देखें कि ये सबसे पहला कवरिंग, ये हमारा स्किन है, ठीक है, उसके पीछे दूसरा लेयर है हमारा मसल्स का लेयर, ठीक है, ऐसे दो लेयर्स हैं एक दूसरे के आगे पीछे, और इसके पीछे जो है वो हमारा ऑर्गन है, इंटेस्टाइन, स्टमक, जो भी आप बोलें। तो ये जो मसल्स होता है, इसमें दो ओपनिंग्स रहती है ना, दो छोटे छोटे होल रहते हैं, कुछ ऐसे ऐसे दो छोटे छोटे होल रहते हैं, जहाँ से ये दो ऐसे होल रहते हैं, ताकि आर्टरी वेंस जो भी हैं वो थोड़े बाहर आ सके, ऐसे दो छोटे छोटे होल रहते हैं, ठीक है, और ये स्किन रहता है, ये और ये मसल्स यहाँ पे ऐसे होल रहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, ऐसे कंडीशंस बहुत सारी होती है जहाँ पे पीछे के ऑर्गन्स, जो हमारे पीछे इंटेस्टाइन हैं, वो इस ओपनिंग से बाहर निकल जाते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं, सेकंड लेयर के हैं मसल्स के, उसमें से, इसको हम बोलते हैं हर्निया। तो ये सिंपल था, आई होप आपको समझ गया होगा कि हर्निया क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हर्निया होने के रीजंस क्या है, हर्निया किस वजह से होता है। सबसे पहले हम देखें कि एज, हर्निया जो है वो मोस्ट कॉमनली हमको देखने मिले ओल्ड एज में, ऐसा नहीं सिर्फ ओल्ड एज में, लेकिन आपको कॉमनली देखने मिला ओल्ड एज। ओल्ड एज क्यों, क्योंकि ओल्ड एज होगा तो आपके जो मसल्स हैं ये वीक हो जाएंगे, नॉर्मल है ना, सबके वीक हो जाते, कमज़ोर हो जाते, तो ये मसल्स वीक हो जाएंगे, ये ओपनिंग भी वीक हो जाएगी, तो यहाँ से निकल जाएगा वो बाहर। दूसरा वो सारी कंडीशन जहाँ पे आपके एब्डोमेन या पेट के, वो सारी कंडीशन जहाँ पे पेट में प्रेशर बहुत बन रहा है। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती, पहले हम देखते हैं कि खांसी, काफ़ी लंबे टाइम तक खांसी करना ऐसा जब हम खांसी करते हैं तो क्या हम फील करते हैं ना कि एब्डोमिन में प्रेशर बन रहा है, एकदम पेट टाइट हो रहा है। तो टाइट होगा तो क्या होगा, यहाँ से कंटेन निकलने के चांसेस हैं कि आपका इंटेस्टाइन या स्टमक के कुछ बॉडी पार्ट, स्टमक के पार्ट निकल जाए या इंटेस्टाइन जो भी है वो निकल जाए यहाँ से, या तो पूरा पार्ट निकल जाएगा या कुछ पोर्शन निकलेगा, बट हर्निया ही रहेगा वो, तो इस ओपनिंग से निकल जाएगा। और ऐसा ये स्किन है और ये मसल्स है, तो इसके बीच यहाँ से निकल के वो मसल्स के वहाँ पर चले जाएगा, पार हो जाएगा मसल्स के और स्किन के नीचे रहेगा। और क्या हो सकता है, और हैवी वर्कआउट, जिम में वेट लिफ्टिंग करना, वेट लिफ्टिंग करोगे तो भी सारा प्रेशर एब्डोमेन पेट पे आएगा, फिर ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से कोई ना कोई कंटेंट बाहर आ जाएगा। और क्या हो सकता है, और वो सारी कंडीशन जैसे स्मोकिंग करेंगे तो क्या होगा, इसके आजू बाजू एक प्रोटीन जम जाएगा, जिसकी वजह से ये ओपनिंग
वापस से अफेक्ट हो जाएगी और कंटेंट बाहर आ जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कंजनाइटल कंडीशन, वो कंडीशन जहाँ पे बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है, हमको बचपन से ही तकलीफ है कि ये ओपनिंग है, ये मसल्स बहुत वीक है, तो जब भी थोड़ा भी प्रेशर बढ़ा एब्डोमेन में, यहाँ से आपके कंटेंट बाहर निकल आएंगे और वो नीचे आके आपके स्किन के नीचे हो जाएंगे और हर्निएशन देखने मिलेगा। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, अगर काफ़ी लंबे टाइम तक हमको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मोशन नहीं पास हो रहा है, और हम जब मोशन करने आते हैं तो बहुत ज़ोर लगाते हैं, तो क्या होता है, सारा प्रेशर आपके एब्डोमेन में आता है और फिर यहाँ से वो दो कंटेंट बाहर निकलते हैं और फिर हर्निया बन जाता है। तो ये तो था कि पैथोलॉजी कैसे हर्निया बनता है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल सीजे, आपको सीजेरियन होता है, जैसे फीमेल्स में सीजेरियन है जिसे बोलते हैं ना, टाँके लेके या ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो, ऐसे कंडीशंस में भी आपके मसल्स हो सकते हैं वीक हो जाएं और फिर कहीं ना कहीं ये हर्निएशन होकर बाहर निकल जाए। तो यहाँ तक तो समझ गया कि हर्निया कैसे होता है और इसकी चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हर्निया हो गया तो उसमें हमें साइन एंड सिम्टम्स, हमें पता क्या चलेगा, हमें कंप्लेन क्या होगी और हम कैसे जज थोड़ा बहुत समझ सके कि हाँ हर्निया लग रहा है मुझे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो आपको पैथोलॉजी जो चीज़ें होती हैं उससे ही आपको समझने मिल जाएगा। हर्निया में क्या होता है, ये कंटेंट मसल्स में से निकलता है, यहाँ से मसल्स में से निकल के कहाँ आता है, स्किन के नीचे। तो क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पे इनग्वाइनल एरिया में, तो क्या होगा कि सूजन दिखेगा, कब, जब हम खड़े रहेंगे। क्यों खड़े रहेंगे, तो ग्रेविटी के वजह से जो भी कंटेंट निकला है वो नीचे की तरफ आएगा, तो वहाँ पे सूजन दिखेगा, और हम सो जाएंगे तो वो चले जाएगा फिर से पीछे। इस ओपनिंग से ही सारा चीज़ इस ओपनिंग से हो रहा है, यहाँ से वो कंटेंट बाहर निकल रहा है जब हम स्टेप खड़े हो रहे हैं, और जब सो रहे हैं तो वो नीचे चले जा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में देखने मिलेगा कि सूजन खड़े होने पर नीचे, यहाँ पर सूजन, सोने पर वो सूजन चले जाता है, इसको बोलते हैं रिड्यूसेबल हर्निया, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है खुद से। दूसरा कंडीशन है, यहाँ पर बहुत कम बार मतलब पेन होने के भी चांसेस रहते हैं कि आपको जो स्वेलिंग का पार्ट बाहर है वहाँ पे पेन हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और सिम्टम्स अगर एडवांस स्टेज में, अगर ये स्टार्टिंग का स्टेज है कि चलो हर्निया आ रहा है, रिड्यूसेबल हर्निया है, अपने पीछे जा रहा है, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। अगर ये स्टेज को हम केयरलेस हो जाते हैं, इसको ध्यान नहीं देते, तो आगे के स्टेज में क्या होगा, जो पार्ट इस ओपनिंग से बाहर निकला है वो नीचे आके कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा, कहीं अटक जाएगा, और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन, नेक्रोसिस, ये सारी चीज़ें होंगी। तो क्या होगा, नेक्रोसिस मतलब कोई भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर आना चालू हो जाएगा आपको, उस एरिया में पेन बहुत सीवियर हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, मोशन भी आपके ना होना, इरेगुलर होना, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी। तो इतना तो हर्निया समझ चुके हैं कि कैसे सिम्टम्स होंगे और क्या हम कैसे रूल आउट करें। अब इसको हम कैसे रूल आउट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली जो इंडिकेटेड है वो क्लिनिकल है, कि क्लिनिकल बेसिस पे हम एग्जामिन करके समझ सकते हैं कि हर्निया है। जैसे कि पेशेंट को लिटा देंगे तो वो चले जाएगा, खड़ा कर देंगे तो आ जाएगा, पेशेंट को खांसी करने बोलेगा डॉक्टर कि आप खांसी करेंगे तो क्या होगा, पेट में प्रेशर बनेगा और वो पार्ट वापस से बाहर आएगा। तो ये क्लिनिकल हम डायग्नोज कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं कि कहीं कुछ पोर्शन तो नहीं दिख रहा है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहली बात कि हर्निया हो गए हैं तो मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ टाइम जो इंडिकेटेड है, मेडिसिन इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है, आपको सर्जरी ही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग में से आप कोई कंटेंट मेडिसिन से तो रिटर्न ले नहीं सकते, आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा ना, कोई दवाई ऑटोमेटिक कंटेंट को पीछे नहीं लेगी। तो हमें क्या, सर्जरी सबसे सेफ और इंडिकेटेड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सर्जरी में क्या करते हैं, ये जो कंटेंट, ये जो हमारा ओपनिंग है ये बढ़ जाता है प्रेशर की वजह से, ये मतलब इतना बढ़ गया, समझ लो ये छोटा था अब ये बढ़ के इतना हो गया। तो क्या करते हैं, हम इसके ऊपर मैश लगाते, एक नेट शेप का जाली रहता है उसके ऊपर मैश लगाते थे, और क्या करते हैं, इस ओपनिंग को छोटा कर देते, तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी पीछे चले जाता है, इसको हम बोलते हैं मैश, मैश लगाना, और वो पीछे चले जाता है और ये ओपनिंग छोटी हो जाती है। दूसरी बात कि सर्जरी कब करानी चाहिए, इनिशियल स्टेज अगर थोड़ा बहुत हर्निया है तब करानी चाहिए या आगे जाके। देखो अगर स्टार्टिंग का स्टेज है, रिड्यूसेबल हर्निया है, मतलब कि वो अपने आप आ जा रहा है, तो आप थोड़ा डीले कर सकते हो, बट सर्जरी ही ऑप्शन है, तो आप थोड़ा डीले कर सकते हो। लेकिन अगर सेकेंड कंडीशन वो इरिड्यूसेबल हर्निया है, पीछे नहीं जा रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको स्वेलिंग लग रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके सेकेंड ऑप्शन जो है सर्जरी ही इमीडिएट करा लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर वो नेक्रोसिस हो, वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो, इससे बेटर आप सर्जरी करा सकते हैं।
तो ये एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हर्निया क्या हो सकता होता है, कैसे इस पर अप्रोच करना चाहिए। इसके अलावा और भी सारे रीजंस हैं। देखो यहाँ पे स्वेलिंग होना सिर्फ हर्निया इंडिकेट नहीं करता, और भी सारे रीजंस हैं जैसे कैंसर हो जाना, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। आपके जो टेस्टिकल्स जो गोटी हैं, बहुत सारे लोगों में उनकी गोटी नीचे नहीं आती, कैविटी में नहीं आती, वो ऊपर ही रह जाती, जिसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, तो वो यहाँ पे रुक जाती है, उस वजह से भी देखने मिल सकता है। तो ये सारे अलग चीज़ें हैं जहाँ पे आपको स्वेलिंग दिख सकता है, स्वेलिंग रहेगा। तो ये एक शॉर्ट आइडिया था हर्निया के ऊपर।